हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट जो भी मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर है और कहाँ पर एंट्री ली थी, क्यों ली थी। होपफुली आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा साइकोलॉजी एस्पेक्ट, क्या क्या ट्रेड कैसे लिया गया। कुछ एंट्रीज समझ आएंगी, कुछ एग्जिट समझ आएंगी, कुछ प्लान समझ आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, क्योंकि मैं देखो सारी अपडेट जो होती है यूट्यूब पे तो नहीं बन सकती, तो मैं वहीं पे डालता हूँ। रोज की वॉच लिस्ट हो गई, जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे ये वॉच लिस्ट हो गई, ठीक है ना, ये वॉच लिस्ट हो गई, ये एंट्रीज हो गई, तो ये सब कुछ उसी पर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बैठकर नहीं बता सकता, रोज रोज वीडियो नहीं बना सकता, राइट। तो अगर आप नहीं हो तो आ जाओ और आगे बढ़ते, देखते हैं फिर और चलते हैं। भाई मैं आपको पहले अपना लिंक इसका नीचे होगा, ठीक है, पहले अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,38,000 की है और कुछ 65,000 हम प्लस चल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अलंकित में बुक करा है, मोरपन लैब में बुक करा है, केपीआई में नहीं करा, जीएचसीएल में नहीं करा, हर्षा में नहीं करा, अभी किसी में नहीं करा, जिसमें करा आपको बताया। तो पहले चार्ट देखेंगे, फिर विल डिस्कस क्या प्लान है, कैसे, क्यों, सब कुछ। तो केपीआई ग्रीन 1900 का था, स्प्लिट हो चुका है, आप स्प्लिट का साइन देख रहे हो, स्प्लिट का मतलब स्टॉक 50% हो गया। ठीक है, केपीआई ग्रीन मैंने यहां पर बाय करा था 950 के आसपास कुछ, राइट, ये यहां तक गया और फिर स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद थोड़ी सी सेलिंग आई इसके अंदर, बट इफ यू सी सेलिंग में इतनी कुछ हाई वॉल्यूम्स नहीं थी। अब केपीआई ग्रीन में एक थोड़ी सी डरने की चीज है कि 5-5% के ना इसमें सर्किट है, बट जो मेरी साइजिंग है स्टॉक के अंदर, इफ यू सी, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 10% है, 20 लाख का कैप पे सिर्फ 10-13%, वो 13 कैप, 10% के कुछ आसपास है, तो मेरे को इतना डर था नहीं के पैगिन में, राइट। और यहां पे मेरी एंट्री थी, ये कुछ मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, बट लेट मी शो यू समथिंग। मेरे को पता है आप सोच रहे हो अगर ये आपका एंट्री थी तो यहाँ पर स्टॉप लॉस स्टॉप होके निकल जाना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे 50 के साथ ना ट्रेल कर रहा था, क्योंकि देखो इस स्टॉक की जो हिस्ट्री है ना वो यही है कि ये 50 से सपोर्ट ले लेता है आकर, ठीक है, और अब इसने यहाँ पर 10-20-50 पे टाइट होकर एक ब्रेक लेने से पहले 50 पर ये टच करेगा, क्योंकि करता है स्टॉक, अगर अपनी रेंज के अंदर है ना तो हो सकता है 10-20-50 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर वहां से निकलने को चलेगा। तो मैंने ले रखा है और अभी तो चल रहा है, बट देखते हैं मंडे को क्या होता है, क्योंकि यूएस मार्केट्स में काफी सेल ऑफ आया है, फ्राइडे को हम गैप डाउन खोले, लेकिन मेरे को ये चीज समझ नहीं है अगर हम गैप डाउन खोले तो मेरे बाकी स्टॉक्स में सेलिंग क्यों नहीं। देखो मेरे मेरी पोजीशंस है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे को डर लग रहा हो, तो मैंने कुछ नहीं बेचा। अपना जो गोल है ना वो प्राइस को फॉलो करना है, ना कि इन चीजों से। मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, बहुत सारे लोग सडनली ट्वीट डालने लग गए, अरे निफ्टी रन में चल रहा था, निफ्टी ये निफ्टी, अरे भाई अगर गिरना होगा, ठीक है ना, अगर प्राइस एक्शन टूटेगा तो सेल कर देंगे, इसमें इतना अपने आप को ज्यादा होशियार बनने ना कुछ फायदा नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस एक्शन टूटेगा, स्टॉप लॉसेस लगेंगे तो ले लेंगे, घर चले जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। वहीं पर आता है अलंकित पे। अलंकित थोड़ी सी अर्ली एंट्री जरूर थी, ठीक है, इट वॉज राइट अराउंड हियर, बट वो इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक ना अगर आप देखो तो अपने हाइस को तोड़ के कंसोलिडेट कर रहा था, और नीचे वॉल्यूम्स भी आप देखोगे ना तो हाईएस्ट वॉल्यूम विद इन 1 ईयर यहाँ पर आई थी, तो मैं थोड़ा सा कन्विंस था, इसलिए मैंने इसमें अर्ली एंट्री, एंड ऑब्वियसली इट वर्कड आउट, और टॉप पे कहीं पे थोड़ा सा सेल भी करा था मैंने। और उसके बाद अब हम वापस से 10 को देखो रीटेस्ट कर रहे हैं, तो घबराने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होगा। लंकित में भी आपने मेरे देखे पोजिशन बनी हुई है ये, ठीक है, 7,000 थी, 2,000 क्वांटिटी बुक कर चुका हूँ। ये आते हैं मॉर्पिन लैब। मॉर्पिन लैब को मैंने यहां पर बाय करा था, वंस अगेन अगर आप देखो 50 पे प्रॉपर सपोर्ट लिया, और इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं इसका ना, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, मेरी एक वीडियो भी है चैनल पे अगर आप समझना चाहोगे, कि इस कैंडल का मतलब है नीचे से भटक के बाइंग आ रही है, ठीक है, और ऊपर तक क्लोज हो रही है, मतलब जान है स्टॉक। यहां पर बाय किया, सेम सिनेरियो अलंकित वाला, हाई इसको ब्रेक करके कंसोलिडेट हो रहा है। अब इसने एक और अच्छी क्लोजिंग दी, लेकिन मैंने कुछ अपने रूल्स, देखो जो मेरा रूल है ना मैंने वो फॉलो करा, मेरा रूल कहता है 3 R पे कुछ पोजीशन को बेच दो, तो मैंने बेच दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि अरे ऊपर जा सकता है, जाएगा तो वेल एंड गुड है, मैं अपना रूल को फॉलो करूंगा,
अपने रूल्स पे चलना सीखूंगा तो ही आप एक बढ़िया ट्रेडर बन पाओगे। GXEL टेक्सटाइल, ये मैंने टेलीग्राम पे एक दिन पहले ही बोला था कि बहुत ही अच्छा सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी अपने हाईस के आसपास, वॉल्यूम टपा टप नीचे देखने को मिल रही है, और ऑब्वियसली पहले दिन ही इसने सीधा 20% का 15% का मूव दिया, बट उसके बाद से 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है जो कि एक हेल्दी है, ठीक है, इसमें कुछ अनहेल्दी नहीं है। अब मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और ये गैप डाउन खुल के निकला 20% तो मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन आप देखो यहां पर बाय करें, अब आप देखोगे तो सब में एक ही पैटर्न है, सारे स्टॉक जो है अपने हाइस के आसपास के ट्रेड करता हूँ मैं, नीचे वाले जो कचरा होता है उनमें नहीं घुसता मैं, वही ट्रेड करता हूँ जो क्वालिटी है, जो ऊपर चल गया है, नीचे में मेरे को मतलब नहीं होता, ठीक है। आते हैं स्टैनले, स्टैनले ने बहुत अच्छा मूव दिया पहले दिन, अगले दिन सेल ऑफ दिया और फिर गैप डाउन के बाद एक सैड न्यूज, तो इसका मेरा स्टॉप लॉस ना ये था, ठीक है, और अभी भी यही का यही है स्टॉप लॉस। स्टैनले को मैंने बड़ा अच्छा बाय करा था और मेरे हिसाब से इस ट्रेड में कुछ गलती है नहीं, स्टॉक में बस ऊपर एक हैवी सेलिंग एरिया है जहां पर हैवी सेल आ रही है, बट अगर वो टूटा ना तो फिर फाड़ देगा स्टॉक, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, ले जाएगा तो ले जाएगा, रोने धोने का नहीं, पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, 4 चलेंगे तो एक गिरेगा, सिंपल है ये तो रूल, बड़ा ऑब्वियस सा है। अब आते हैं हर्षा पे, हर्षा आप देखो सेम सेटअप है, बार बार वही चीज है, सारे अपने हाईस के आसपास हैं, हाईस के आसपास देखो ये एक सेलिंग आई, इस पूरी सेलिंग में मेरे को वॉल्यूम दिखा दो नीचे, कहीं पे भी नहीं है ना, क्योंकि भाई जान ही नहीं है सेलिंग में, और जैसी बाइंग आई है बाइंग में स्पाइक है वॉल्यूम का, एक वॉल्यूम आने के बाद 1, 2, 3, 4 दिन तक टाइटनेस, 5वें दिन जैसी टाइटनेस ने तोड़ा मैंने उसको बाय कर लिया, और अब देखो रोज वॉल्यूम आ रही है और रोज अच्छी अच्छी कैंडल आ रही है। अब बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अर्निंग से पहले अगर एक बड़ा मूव आता है 20% का तो मैं इसको 50% बुक कर लूंगा, क्योंकि अर्निंग्स ना बहुत ट्रिकी हो जाती है, अर्निंग्स पे ये देखो अर्निंग्स पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। ये देखो ये हुआ अर्निंग्स पे, यहाँ अर्निंग्स आई, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और सीधा टप 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 टप, और मैं इसका पार्ट बनना नहीं चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब करने में ना, तो मैं खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस ले लूँ, स्टॉप लॉस करो प्रॉफिट बुक कर लूंगा अगर अर्निंग्स पे ये भागता है, और अर्निंग से पहले ये भागेगा, राइट। टाइटली इनको ट्रेल कर रहे हैं और स्टॉप लॉस इसका ये था, अब मैं ये लेके चलूंगा, कॉस्ट भी ले आऊंगा, कॉस्ट से हल्का सा नीचे ले आऊंगा, क्योंकि देखो पैसा बचाना इज ऑल्सो ट्रेडिंग। तो ये छोटी सी अपडेट थी पूरे PF पे, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख दो, टेलीग्राम पे आ जाओ, और भाई सब्सक्राइब दबा दो।